बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड द क्वेश्चन इज़ फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या हों, इक्वल। और इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल। इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो। तो पहले हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा उसको हम जीरो के इक्वल पुट करके तो रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा उसको हम जीरो के इक्वल पुट करके रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड कर लेंगे। तो ये एम एक्स प्लस सी होल स्केयर है। होल स्केयर का फार्मूला है ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, बी मीन्स सेकेंड टर्म। तो इस ब्रैकेट के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एम एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab c माइनस 4ax इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ये आ गया सी स्क्वेयर, ये आ गया प्लस 2mcx माइनस 4ax। अब इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर वाली इसमें एक ही टर्म है तो ये आ गया एक्स एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। एक्स वाली दो टर्म्स हैं, एक इस टर्म में एक्स है और एक इसमें, दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो इधर से आ जाएगा 2mc और इधर से आ गया माइनस 4a। और x के बगैर एक ही टर्म है वो है सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के साथ। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट a की वैल्यू है तो इधर से a आ गया हमारे पास एम स्क्वेयर, और x का कॉफिशेंट जो है वो b की वैल्यू है तो b इज इक्वल टू 2mc माइनस 4a, और कांस्टेंट जो है वो c की वैल्यू है तो c इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें b की वैल्यू है 2mc माइनस 4a होल स्क्वेयर माइनस 4a इज m स्क्वेयर सी इज सी स्क्वेयर। इस ब्रैकेट पे फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये आएगा 2mc होल स्क्वेयर प्लस 4a होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2mc इंटू 4a और ये आ गया माइनस 4m2 सी स्क्वेयर। ये आ जाएगा 2 का स्क्वेयर आ जाएगा 4 और m का m2 c का सी स्क्वेयर प्लस ये आ जाएगा 16a2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 16mca माइनस 4m2 सी स्क्वेयर। ये माइनस 4m2 सी स्क्वेयर और ये प्लस 4m2 सी स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास बाकी आ गया 16a2 माइनस 16mca। अब इन दोनों में 16 भी कॉमन है और a भी कॉमन है तो 16a कॉमन ले लेते हैं तो इधर से रह जाएगा a माइनस इधर से आएगा mc। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया। अब हम इसको पुट करेंगे ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि हमने जो कंडीशन फाइंड करनी है वो हमने इक्वल रूट्स के लिए फाइंड करनी है और इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो। तो 16a इंटू ए माइनस एम सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 16a और ये ब्रैकेट, ये तीन डिफरेंट नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। और प्रोडक्ट तब ज़ीरो के इक्वल होता है जब प्रोडक्ट में कम अज़ कम एक नंबर ज़ीरो हो।
अब जो फर्स्ट है वो तो 16 है, 16 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, 16 तो जीरो के इक्वल नहीं। अब ए की वैल्यू को हमें नहीं पता, ब्रैकेट में जो ए माइनस एम सी है उसकी वैल्यू का नहीं पता, तो इधर या तो ए जीरो के इक्वल है या तो ए माइनस एम सी जीरो के इक्वल है, या ये दोनों जीरो के इक्वल है। तो हमने इधर से ए को जीरो के इक्वल सेट किया और ये ब्रैकेट जीरो के इक्वल, एक वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू जीरो और दूसरी वैल्यू आ गई ए माइनस एम सी इज इक्वल टू जीरो, या माइनस एम सी दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आ गया प्लस एम सी। तो जब ए जीरो के इक्वल होगा तब भी इस इक्वेशन के रूट्स ही इक्वल होंगे, क्योंकि जब ए जीरो के इक्वल होगा तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल होगा, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो रूट्स ही इक्वल होंगे। और जब अगर ए एम सी के इक्वल होगा तब भी इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।